नमस्कार फ्रेंड, मैं शेखर और आप देख रहे हैं शेखर म्यूजिक विद गार्डन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके ज़रिए आप मेरे चैनल का कोई भी वीडियो पहले देख सकते हैं और प्लांट के बारे में अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो लाल भाजी के बारे में, लाल भाजी कैसे हम बीज से उगाएंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसका मिट्टी कैसा रहेगा और कैसे इसको हम सीडलिंग करेंगे उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए, मैं एक ट्रे में थोड़ा जो मिट्टी है वो पहले से ही तैयार करके रखता हूँ। इस मिट्टी में मैं दो भाग बालू मिट्टी, दो भाग कोकोपीट, डेढ़ भाग वर्मी कंपोस्ट और एक भाग नीम की खली डाला है। ये सब मिला के इसको मिक्स किया हूँ, उसके बाद इसको मैं सीडलिंग करूँगा। ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी रखा हूँ वो सीडलिंग के ऊपर डालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीडलिंग को कवर करने के लिए मैं बालू मिट्टी और कोकोपीट को मिला के एक मिक्सचर बना रहा हूँ, उसके ऊपर कवर कर लूँगा। तो ये देखिए, ये है हमारे लाल भाजी जो होता है उसका जो बीज है। देखिए बहुत छोटे छोटे बीज है, यहाँ पे थोड़ा हवा आ रहा है तो इसलिए इसको मैं हाथ में थोड़ा पकड़ा हूँ क्योंकि उड़ जाएगा। और इसको अच्छे से मिला देते हैं, कोकोपीट और बालू मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ इसको ऊपर ले आ देने के लिए। तो अभी जो हम सीडलिंग करेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए ट्रे की तरफ। सीडलिंग करने से पहले हम मिट्टी को थोड़ा गीला कर लेते हैं। तो देखिए, मैं मिट्टी को थोड़ा गीला कर चुका हूँ। गीला करने से क्या होता है, आपका जो अंदर जो आप सीडलिंग डालेंगे, सीड डालेंगे, वो उसका मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और इसके ऊपर हम कोकोपीट का जो बालू मिट्टी का जो लेयर डालेंगे वो मिल के दोनों तरफ से मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीडलिंग। ये देखिए, ये जो बीज है बहुत ही छोटे छोटे, इसको इस तरह से लेंगे, यहाँ पे हवा आ रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे ले आता हूँ, इसको इस तरह से लेंगे, इस तरह से सेम क्वांटिटी में ले लेंगे। मेरे पास इतना है तो मैं इसमें से इतना ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो आपका जो प्लांट निकलेगा वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक निकल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सीडलिंग करने वाला, ये हमारा सीडलिंग का काम खत्म हो चुका है। तो अभी इसको कवर करते हैं। मैं जो कोकोपीट और बालू मिट्टी का जो मिक्सचर किया है उसके ऊपर सिर्फ एक इंच कवर कीजिएगा। देखिए इस तरह से, ज़्यादा मोटा लेयर नहीं देंगे, देंगे तो आपका जो चीज़ है वो नीचे ही खराब हो जाएगा, निकलेगा नहीं।
इसको थोड़ा बारिश से बचा के रखिएगा, अगर बारिश इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ता है तो आपका बीज वो अपनी जगह से इधर उधर चला जाएगा, तो जन्म में होने में कोई प्रॉब्लम होगा। इस तरह से एक इंच का लेयर दे देंगे, देखिएगा सारे बीज जो है वो चिप जाए, इस तरह से लेयर दीजिएगा। इसके बाद हम इस थोड़ा और पानी दे देते हैं, पानी जोर से नहीं देना है, इस तरह से बीज ले देना है, क्योंकि अगर जोर से देंगे तो आपका जो बीज है वो गिर जाएगा। तो ये हुआ लाल भाजी का सीडलिंग, देखते हैं ये कितने दिन में निकलता है। आज फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरे वीडियो पहले देखने के लिए। चलिए अगली बार मिलते हैं और एक बेहतरीन टॉपिक के लेकर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, देता हूँ।